अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है। क्यों? क्योंकि श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है और उसके साथ साथ तैयार हो रही है अयोध्या। मेरे पीछे आप ढेर सारा निर्माण काम देख रहे हैं। ये अयोध्या में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क है। आपको एक किनारे पर तस्वीर में दाहिनी ओर पर दिखाई देगा कि सड़क है, सड़क के ठीक बगल में काम चल रहा है। लेकिन ये सड़क को चौड़ा नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये खास पथ बनाया जा रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो अयोध्या में प्रवेश करेंगे। जब आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो सड़क के एक किनारे पर सड़क जितना ही चौड़ा एक और रास्ता होगा जहां से पैदल श्रद्धालु आ जा सकेंगे, जहां भी आपको दिख रहा है कि काम चल रहा है। अब ये काम पूरा होने के बाद क्यों खास हो जाएगा, क्यों हम आपको बता रहे हैं, इधर नजर डालिए। जब आप इस पथ पर चल रहे होंगे तो आपको इस पथ पर जगह जगह रामायण से जुड़े इसी तरीके के चित्र, रामायण से जुड़े प्रसंग दिखाई देंगे। इस वक्त जिस दीवार के बाहर हम आपको ये पूरी की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री राम और माँ सीता के विवाह के उपरांत जब माँ सीता की विदाई हुई थी वो तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं कि भगवान श्री राम हैं, उनके भाई लक्ष्मण हैं, यहाँ राजा जनक हैं, वो विदाई का दृश्य है और उसको यहाँ से और फिर वो जो पूरा का पूरा जनक दरबार है वो यहाँ पर चित्रित किया है, प्रदर्शित किया गया है। और इसके बाद इस पूरे इलाके में, इस पूरे पथ पर, क्योंकि काम चल रहा है, जब इसकी फिनिशिंग होगी तो ये जो रंग है ये और उभर कर आएगा। और इस तरीके से जैसा हमने आपको कहा कि अगर हम सड़क के दूसरी तरफ भी देखेंगे तो इस तरीके से जगह बनाई जा रही है जहाँ पर अगर आप देखेंगे सामने भी वैसे एक हिस्सा है, वो अभी दीवार खाली है, वहाँ पर भी रामायण से जुड़े ऐसे प्रसंग बनेंगे। अब जिस पथ की हम बात कर रहे थे वो आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर वो काम चल रहा है और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो पीछे आपको निर्माण काम दिखाई दिया, अगर आप पीछे देखेंगे तो ये तैयार होता जा रहा है। यहाँ पर बीच में पीले रंग का हिस्सा है, यहाँ पर गहरे रंग का हिस्सा है और ये तमाम पत्थरों को जोड़कर इस तरीके से इस पथ को तैयार किया जा रहा है। और ये जो पूरा चौड़ा पथ है ये खास तौर पर उन यात्रियों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए, उन राम भक्तों के लिए होगा जो कि पैदल यहाँ से आगे अयोध्या जी की ओर बढ़ रहे होंगे। इस तरीके के प्रसंग वो देखते चलेंगे। पूरा माहौल को राममय बनाने की तैयारी है ताकि जब 22 जनवरी का ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो तो तमाम जितने श्रद्धालु हैं, तमाम जितने राम भक्त हैं, वो जब यहाँ पर आएँ, आगे बढ़ते जाएँ, तो वो अपने साथ साथ भगवान श्री राम से जुड़े तमाम संस्मरणों को, रामायण के प्रसंगों को भी देखते चलें। और बहुत जल्द, जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ आगे भी दीवार है, इस तरीके से चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ये पूरे प्रसंग दिखाई देने वाले हैं। ये पूरा मेन हाईवे है और आगे हाईवे से जुड़ी ये सड़क है, सड़क के किनारे का ये वो हिस्सा है जिसे खास तौर पर उन राम भक्तों के लिए तैयार किया जा रहा है जो देश और दुनिया से आएंगे, भगवान श्री राम के प्रसंग को अपनी बाईं ओर देखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। नीचे बढ़िया सुंदर जो पत्थर होंगे वो उनका स्वागत कर रहे होंगे। कई श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो अपनी मान्यताओं के कारण, धार्मिक आस्था के कारण नंगे पैर चलते हैं, ऐसे रास्ते पर, इस पथ पर उनके पैरों को भी तकलीफ ना हो, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।